ऑल टीचर एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने गोरखपुर व बस्ती मंडल के अध्यापकों के साथ पीडब्ल्यूडी के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि अटेवा के संघर्षों के सुखद परिणाम आने शुरू हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप 3 राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है और वह दिन दूर नहीं जब पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी। अटेवा का अभियान पुरानी पेंशन बहाली होने तक अनवरत जारी रहेगा। पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है, जिसे हमें हर हाल में प्राप्त करना है। यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो सभी कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा, निजीकरण देश के लिए अभिशाप है, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर ऑल टीचर एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे, महामंत्री ज्ञान प्रकाश सिंह, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद, अशोक कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए ऑल टीचर एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, ये अटेवा की आज 2 मंडलों की, गोरखपुर और बस्ती मंडल की पदाधिकारियों की ब्लॉक जिला और मंडल पदाधिकारियों की बैठक है और बैठक में संगठन की क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, उसकी क्या मजबूती है, इस विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आगामी जो कार्यक्रम होने हैं उसकी तैयारी करना है। और इसी विषय को लेकर अटेवा लगातार, क्योंकि हमारा एक ही विषय पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति, इसी विषय की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में संगठन की मजबूती के बाद बड़े कार्यक्रम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार अभियान चल रहा है। अभी हमारा 15 जुलाई से जागरूकता अभियान चल रहा है और 15 सितंबर तक चलेगा। 15 सितंबर के बाद फिर हम बड़े कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे और उसी तैयारी के सिलसिले में आज हम 2 मंडलों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अर्दुबे जिला अध्यक्ष अटेवा गोरखपुर, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS और प्रदेश अध्यक्ष अटेवा के माननीय विजय बंधु जी का आगमन मंडली समीक्षा के हैसियत से हुआ है। यहाँ पे आज वो मंडली समीक्षा के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। हम सभी मंडल गोरखपुर और बस्ती के पदाधिकारी सब इकट्ठा होकर के समीक्षा बैठक में भाग लिए हैं। हम लोगों की एक ही मांग है राज्य सरकार से भी, देश के सरकार से, कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के हित में है, उसे बहाल किया जाए। और आज एक संकल्प भी हम लोग ले रहे हैं कि जब तक पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी, अनवरत आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने का हमारी भाषा, हमको भी इच्छा है, लेकिन वो हमारी पेंशन बहाल करें।